बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके प्रेम, आपके स्नेह, आपके साथ की वजह से मुझे विधायक बनने का मौका मिला और विधायक के बाद शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। अगर आपका ये प्रेम और स्नेह नहीं मिला होता तो क्या ये शिलान्यास होना था, क्या स्कूल पे काम होने थे और क्या जो कुछ हम कर पाए हैं। तो इस प्रेम के लिए, इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बनाए रखिएगा, मैं मंच पे जितने हमारे साथी बैठे हैं, गांव के मंच के इधर बैठे हुए हैं, इतने सारे नौजवान साथी, कुछ शरीर से नहीं है लेकिन दिल से बहुत नौजवान हैं, उन सबको हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि आप सोचिए कि मंडावली के लिए गया क्या करना है, आप सोच के बताइए और उसकी चिंता छोड़ दीजिए। सोचना आपका काम है, सोच के बताना मुझको बताना आपका काम है, उसके बाद टेंशन मत लेना, टेंशन ले लिया। विधायक इसलिए बनाया जाता है कि जनता उसको कह दे, मोहल्ले के लोग, गली के लोग उसको कह दे भाई ये काम होना है, काम जायज होगा, काम जनता के लिए उपयोगी होगा। कोई अपने लिए कह दे भाई मेरे लिए मकान बनाओ तो कोई करवाता नहीं है और कोई मांगता भी नहीं है, लेकिन जनता का कोई काम जनता के हिसाब से होने के लिए कोई कह दे, विधायक का, नेता का काम यह है कि फिर टेंशन नेता की होनी चाहिए, जनता की नहीं होनी चाहिए। और मैं कहूं कि यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, पहले एक चीज बताओ, ये जो स्कूल है मैडम लिखा, इसमें बुजुर्ग लोग भी बता सकते हैं, नसीर भाई आप इधर आ जाओ, नसीर भाई को ऊपर बुला गया, आ जाओ, इन्होंने गाना भी बहुत अच्छा गाया मुझे पता चला। जितने सारे साथी यहाँ बैठे हैं, मैं बुजुर्गों से भी पूछना चाहता हूँ, ये जो मंडावली का स्कूल है इसमें से कौन कौन पढ़ा हुआ है आप में से? देखो बहुत लोग पढ़े हुए हैं। अब ये स्कूल देख के जरूर आना, पहले जब आप पढ़ते थे और आज जब आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपको बताया कि आपके मोहल्ले में स्कूल है, इस स्कूल को देख के जरूर आना, इसके कमरे, इसका हॉल, इसकी नीचे, इसकी लाइब्रेरी, इसकी लैब, इसकी गैलरी, इसका खेलने की जगह बहुत बदल दिया है। आपको भी फक्र होगा कि आपकी बड़ावली में कैसा शानदार स्कूल है। आज जैसे मैंने आपसे पूछा कि कौन कौन लोग यहाँ से पढ़े हैं, मैं चाहता हूँ 10 साल बाद कोई ऐसी मीटिंग हो रही हो शर्मा जी, और उसमें मैं खड़े होकर पूछूं भाई ये बताओ, ये जो समुदाय भवन है, इस समुदाय भवन में से कौन कौन बिहार गया है? नहीं, पढ़ के कहां से आया, ब्याह के कहां से आया, वही सवाल है। दोबारा मत करना भाई, बच्चे भी हैं बिहाने के लिए, बच्चों में कर लो। तो 10 साल बाद कहीं ऐसी किसी सभा में बैठे हो और कुछ काम हो रहा हो तो इस संदा भवन के बारे में भी पूछा जाएगा, इस शादी घर के बारे में पूछा जाएगा कि भाई यहाँ से किस किस की शादी हुई थी बताओ, कोई बच्चा भी कह सकता है मेरे मम्मी पापा की हुई थी यहाँ से। तो ये संस्थान इसीलिए बनते हैं, संस्थान इसीलिए बनते हैं कि समाज आगे बढ़ सके। इसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे इस इलाके के लगभग हर मतलब पूरे गांव के आसपास के क्षेत्रों से, विशेषकर बुजुर्गों ने और नौजवानों ने जिस तरह से मुझे कहा, जितने अपनेपन से कहा, जितना आदेशात्मक रूप से कहा, मुझे लगता है कि शायद ही कोई इमारत दिल्ली में इतने प्रेम से, इतने सबकी मांग पे, सबके उससे इनपुट से बनी होगी। मैं पटपड़गंज के बारे में बता देता हूँ, 4 समुदाय भवन बन चुके हैं अभी तक पिछले 3 साल में, ये 5वां है जिसका हम शिलान्यास कर रहे हैं, 4 का उद्घाटन हो चुका है। एक पटपड़गंज गांव में बना था, एक अपने मैडम इधर जाफर चौपाल के पास में, खिजरीपुर में भी बना है, 8 ब्लॉक में भी बना है। कहने का मतलब है कि वहां से किसी निर्माण को लेके, किसी चीज की जरूरत को लेके इतनी ऊर्जा मुझे कभी महसूस नहीं हुई जितनी ऊर्जा इसको बनवाने में महसूस हुई, और ये अच्छी चीज है। एक तरह से ये इलाके के लोगों का इस बिल्डिंग को बनने से पहले, शिलान्यास से पहले आशीर्वाद मिल गया, इसको आशीर्वाद मिल रहा है इस बिल्डिंग को, शायद ही कोई बिल्डिंग इतनी ऊर्जावान होगी जितना लोगों का आशीर्वाद मिला है। भीम सिंह जी ने अपनी बात रखी, चौधरी साहब ने, शर्मा जी उससे पहले, मेरे आने से पहले अपनी बात रख चुके थे, शर्मा जी तो
कितनी बार घर पे बैठ के दयानंद जी और सत्तर भाई साहब दोनों ने यहाँ पे घर में, मैं आया किसी काम के लिए, मतलब स्थिति ये थी कि आंखों से पूछ लेते हूँ, मतलब ओटवर्ड हो गया था। अमर शर्मा जी बोलेंगे, दोनों शर्मा जी कहीं खड़े हैं और मेरी तरफ यू कुछ करके पूछने के हूँ, तो इसका मतलब पूछ रहे हैं क्या हुआ, शिलान्यास कब हो रहा है, मैं भी बता देता था हो रहा है, उनका इशारे से पूछना और मेरे इशारे से बताना पूरी सेंटेंस पूरा हो जाता था, बहुत बढ़िया रहा है। आरपी सिंह जी ने जब हम 49 डेज की गवर्नमेंट थी उस वक्त आए थे एक काम के लिए इस मैदान में, सारा नक्शा वगैरह लेके, मुझे याद है वैसा, और हम दोनों सारे नक्शे पे यहीं खड़े होकर माथा पच्ची कर रहे थे ये दीवार के पास में जो बन रही है कि भाई यहाँ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ कूड़ा घर, यहाँ कचरा पड़ा रहे, उससे अच्छा है मोरारजी के लिए ये पार्क, ये इलाका शांत बने। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ के पास खदानें होंगी होंगी कोयले से लेके मिनरल्स तक की, झारखंड के पास होंगी, दिल्ली में तो मेरे को लगता है दिल्ली में सोने की खदान का मतलब है खाली जमीन। कहीं अगर किसी डिपार्टमेंट के पास में, कहीं किसी विभाग के पास में खाली जमीन है तो उसको ये मान के चलिए कि उसके पास तो गोल्डन माइन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में गोल्डन माइन, वहां की गोल्ड माइन होंगी, कोयला की खदान होंगी, ऐसा होंगी, हमारे लिए तो खाली जमीन माइन है जिस तरह से वो बना हुआ है। तो ये इतनी खाली जमीन भी मुझे दिखती थी, यहाँ गंदगी भी दिखती थी, तो 49 डेज की गवर्नमेंट के दौरान ही मैंने, मतलब आरपी सिंह जी मुझे कहा मनीष जी मंत्री बन गए हो, इसका जरूर सुधार करना है, मैंने कहा बताते हैं किसमें मिलकर करेंगे, तब से लेके और उसके बाद जैसा मैंने नाम लिए कुछ हरिता जी, परमानंद त्यागी जी, ईश्वर चंद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, संजय शर्मा जी, रविदास शर्मा जी, रघुराज प्रताप, लीलू चौधरी, इतने सारे लोग अपने, प्रशांत ठाकुर, विष्णु जी, महाराज भाई, केपी सिंह जी, केपी सिंह जी से भी जब तक पहली बार चुनाव लड़ रहा था पहला वाला, तब जब मिलने आए थे महाराज जी में एक बार, कहाँ बैठे थे केपी सिंह जी, अभी ज्यादा काम में व्यस्त हो गए हैं, उस वक्त भी उन्होंने कहा था भाई देखो एक तो मंडाली में जो खाली जगह पड़ी है ना, इसका कुछ विकास जरूर करना, मतलब कहां से निकल के आ रही है चीजें, मैं कह रहा हूँ 4-5 साल पहले क्या करना है कैसे करना है। अनिल भाई राज चौधरी जी, रामपाल जी, राजू यादव, निहाल सिंह जी और अपने पंडित शर्मा जी, भगत शर्मा जी चौधरी, मदन सिंह जी कहते हैं, वैसा इन्होंने भी साफ कह दिया जिस दिन कि भैया देखो जो भी चलता रहे यहाँ पे अगर समुदाय भवन बनेगा तो उसमें मैं साथ में हूँ, और मेरे मैं ही उसके साथ खुल के बोलने में साथ में हूँ, और हैं आज तक हमेशा, जब तक इस पर बात हुई है कहीं से पूर्व कागजों की जब लिखा पड़े बोल रही थी तब से इन्होंने कह दिया था चिंता मत करना, समुदाय भवन बनवाने के लिए डिमांड मेरी, और जहां जरूरत पड़ेगी मैं साथ में खड़ा रहूंगा, जितने साथियों को लेकर साथ में करने को मैं खड़ा रहूंगा। प्रताप नागर भाई, दिनेश नागर जी, राजू जी, मांगेश शर्मा जी, रामनारायण शर्मा जी, राजू शर्मा जी, हिमांशु, जवाहर, केतन, तमाम अपने साथी जो चुनाव में लगातार, सुशील भाई, नितिन, दीपक, बॉबी, पंकज सागर, जोगिंदर कुमार, नील सागर, टाइगर और रेखा शर्मा जी हमारी लगातार सब साथी, रेखा गुप्ता जी, सुंदर, रिंकू दूसरा, इसको मैं कहता हूँ रिंकू दूसरा, हमारे दो रिंकू हैं, अजीत भाई, बंटी, संदीप, सब लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से, किसी का नाम छूटा हो मुझे ध्यान नहीं है, अरुण, अविनाश, सब लोग जितने भी हैं सबने इसमें, शायद ही कोई ऐसा साथी पटपड़गंज में जो हमें चुनाव लड़वाने के दौरान से साथ था, उसके बाद लगातार इस काम में साथ जुड़ता रहा, महीने में, दो महीने में, मैं इसलिए नाम दे रहा हूं, ये क्रेडिट देने का पॉइंट नहीं है कि जब भी कोई काम होता है एक तो है राजनीतिक तरीके से करने का, हाँ जी चिंता मत करो हो जाएगा, फिर मैं थोड़ा सा अफसरों अफसरों से कहूँ यार थोड़ा जुगाड़ कर लो, किसी ठेकेदार को बोल दो एक ईंट तो बढ़वा ही देते हैं बाद में बनवा लेंगे, लोग खुश हो जाएंगे। इस जमीन को लेके बड़ा सरकार ने झालमेल पैदा रखा था, आज पटपड़गंज ये मनावली के साथी सब बैठे हैं यहाँ पे नौजवान साथी, आपको पता होना चाहिए ताकि आगे भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये जो जमीन है
जिसे हम तालाब चौक कहते हैं, डीएम साहब बैठे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि कोई समझ में नहीं आ रहा, कहीं कोई विवाद है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछ लो। ये जमीन कुछ तो तालाब है, कुछ स्कूल की जमीन है, एजुकेशन की जमीन है, इस पे तमाम तरह की कहानियां हैं। और नगर निगम वालों ने, उनकी भी गलती नहीं है, कहीं किसी एक कागज पे यहाँ चिड़िया सी मार रखी है और चिड़िया में लिख रखा है डीडीए ने इतनी तारीख को 81 में नगर निगम को दी, 87 में, उससे पहले 71 में जमीन, जैसे जैसे दिल्ली में आगे चल रही थी, रेवोल्यूशन हो रहा था दिल्ली में, जमीनें लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट से अलग अलग डिपार्टमेंट को दी जा रही थी। तो या तो यह तालाब की जमीन थी या 71 में ये जमीन एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दी गई थी। उसके बाद दो अफसरों के बीच में कहीं कोई घाल गई, वो कहते हैं ना एक जगह कहीं तालाब था, फिर खेत बना दिया, फिर पुल बना दिया, फिर वापस तालाब खुदवाने का पैसा सेंक्शन हो गया, उसके बाद फिर खेत बुलवाना, ऐसा बहुत सरकारों में चलता है, सरकारों में चलता रहता है। तो उसके चक्कर में कहीं कागज में इधर उधर करने की कोशिश के तहत कहीं बीच में किसी नगर निगम की एक फाइल में लिखा हुआ 87 में, अब नगर निगम कहीं बीच में था ही नहीं, इसमें डीडीए था, लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट था, लैंड एंड बिल्डिंग से सीधे एजुकेशन पे आ गई, बीच में कहीं किसी बाबू ने फाइल में, वो भी कॉर्नर पे, कोई ऑर्डर नहीं, उस 87 की किसी एक सिग्नेचर को लेकर घूम रहे थे नगर निगम वाले, नहीं थी जमीन हमारी है। अब आप लोगों के आशीर्वाद से एक पावर मिली है जिसको उप मुख्यमंत्री का पद कहते हैं, पावर ही है वो, उस पर बैठ के फिर ये सारी चीजें बहुत साफ होने की गुंजाइश बनती है। मैंने सारी फाइलें निकलवाई, नगर निगम वालों को बिठाया, डीडीए वालों को बिठाया, मैंने कहा भाई 87 में तुमने कोई कागज बनाया? नहीं जी, हमारे पास तो कोई कागज नहीं है। मैंने कहीं भी नगर निगम को दी हो जमीन, तुम्हारी किसी भी फाइल में कोई कागज हो, 3 महीने ले लो, मेरे को कोई कागज ढूंढ लाओ फाइलों में से, अगर डीडीए की फाइल में हो, अगर नगर निगम की फाइल में हो, ये कागज की पे किसी कोने पर लिखी चिड़िया से जमीन नहीं, इधर से उधर होती है, प्रॉपर ऑर्डर पास होता है, खसरे में लिखा जाता है, खसरे का कोई डिटेल है वो दे दो, ना नगर निगम के पास ना डीडीए के पास, डीडीए ने लिख के दिया, इसलिए समय लगा, डीडीए से 3 महीने का समय देके मैंने लिख के मांगा, मैंने कहा 3 महीने दे रहा हूं, अगर 3 महीने में तुमने बताया नहीं कि ये जमीन किसी समय नगर निगम को दी गई होगी और उसका ये कागज है, तो उसके बाद दावा मत करना। लिखित में दिया, उनका लिखित में आ गया कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से जमीन शिक्षा विभाग को 71 में दी गई थी। उसके बाद मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास गया, मैंने कहा भाई तुम अपना रिकॉर्ड निकालो, खंगालो सारा रिकॉर्ड और इसका दोबारा से वेरीफाई करके दो कि कहां कहां की कितनी जमीन शिक्षा विभाग की है। शिक्षा विभाग से जमीन इनके पास से जब लिखित में आ गए शिक्षा विभाग की है, मैं शिक्षा मंत्री भी हूं, वहां भी थोड़ी सी दादागिरी चलाई मैंने, आमतौर पर स्कूलों की जमीन ऐसे ट्रांसफर नहीं होती, पर अगर हमें समुदाय भवन की जरूरत है, स्कूल हमारे पास में पहले से है, तो जनता तय करेगी ना हम अपनी जमीन का क्या करेंगे, अफसर बैठ के कैसे तय करेंगे, मंत्री कैसे बैठ के तय करेंगे। तो हमने इस प्रिंसिपल को लागू किया, मैंने सारी चिट्ठियां सारे रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए मैंने इतने सारे नाम लिए, सबके लगाए फाइल में, मैं देखो मुझे इतने सारे लोगों ने इतने साल में कहा हुआ है, यहाँ तो जनता की मांग, तो भैया समुदाय भवन है, स्कूल पहले से ही वहाँ स्कूल से लिखवाया, यहाँ पे प्रॉपर संख्या में स्कूल, अभी हमारे 3 स्कूल हैं और अभी जमीन भी काफी है उपलब्ध, अगर जरूरत आगे बढ़ाने की पड़ेगी, हमें 2000 गज देने में कोई दिक्कत नहीं। स्कूल से लिखवाया, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से फिर एलजी साहब के पास भेजा, और पिछले साल अगस्त सितंबर के करीब एलजी साहब से भी अप्रूवल आ गया, अंग्रेज उसको टेक्निकल भाषा में, इनकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भाषा में, सरकारी भाषा में कहते हैं लैंड यूज चेंज, ऑफिशियली लैंड यूज चेंज कराया इसका, और आज की तारीख में जिस जमीन पर आप शिलान्यास कर रहे हैं यहाँ पे आके, वो ऑफिशियली फ्लड डिपार्टमेंट की, फ्लड के पास है ना, फ्लड डिपार्टमेंट की जमीन है। लैंड यूज चेंज होने के बाद 71 में डीडीए के पास थी, 71 से शिक्षा विभाग के पास आई, शिक्षा विभाग से 2017 अगस्त में इसमें से 2000 गज फ्लड डिपार्टमेंट के पास में है। दुनिया की सारी फाइलें उठा के देख लो, कोई भी कागज उठा के ले आना, इससे बड़ी चुनौती कहीं से नहीं निकल सकती। सुशील भाई ने अभी जिक्र किया, कुछ साथी विरोध कर रहे थे, मैं इसको ये नहीं कहता विरोध कर रहे थे, कुछ लोग इस शिलान्यास को और पॉपुलर कर रहे थे, उनका सहयोग है, उनके सहयोग के लिए धन्यवाद। देखो झगड़ा आता है, ये एमएलए में और पार्षद में और अलग अलग पार्टी के हों तो झगड़ा रहता है, वो कोई काम कराए एमएलए खंजा बनवा दे, नाली बनवा दे, एमएलए के साथी कहते हैं कि हमने बनवाया, पार्षद के साथी कहते हैं हमने बनवाया, सांसद किसी और पार्टी का हो, सांसद के साथी कहते हैं कि हमने बनवाया। हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी,
किसने बनवाया और किसने विरोध किया जनता सब जान गई। अगर विरोध ना करते तो हो सकता है जब जिस दिन खड़ा होता, खड़े होके चौड़े होके कोई फोटो खींचा कह देता हमने बनवाया, हम नहीं मना नहीं करते। चलो जी सबको क्रेडिट मिल जाए, पर अब हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। लोग जान रहे हैं किसने बनवाया और किसने, पहले तो ये होता है ना किसने नहीं बनवाया जानते थे जो जानता था, अब तो लोग ये भी जानते हैं किसने कौन बनवा रहा था और कौन इसका विरोध कर रहा था। तो उनका सहयोग है, उनके सहयोग के लिए धन्यवाद, हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस चीज को और स्पष्ट कर दिया। मैं एक दो चीजें और कहना चाहता था। कल दिल्ली आज और आज इसके कार्यक्रम के शिलान्यास के कार्यक्रम में और ओवरऑल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, एसडीएम साहब का, दिल्ली पुलिस का बहुत सहयोग मिला है, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके सहयोग लेंगे। एक और, अब ये तो देखो शिलान्यास होगा इससे ज्यादा क्या बोलना है। एक और चीज उसी तरह से जैसे शिलान्यास की बात आ रही थी लगातार मेरे पास आ रही है, उसके कुछ साथी मेरे पास यहाँ खड़े हुए हैं, कुछ इधर बैठे हुए हैं, पिछले करीब 6 महीने से लगातार जैसे जैसे मेट्रो का लाइन का काम पूरा हो रहा है वैसे वैसे मेट्रो के स्टेशन का नाम बदलने की, नाम देने की मांग पूरी करने की बात आ रही है। मेरा मैंने 2 मिनट उसके भी कुछ कह दू ना, तक तो नहीं है। अच्छा देखो ऐसे भाषण वाषण देना नहीं लंबा, थोड़ा काम की बात ही कर रहा है। मुझे चौधरी साहब की तरफ से, ये अरुण भाई खड़े हैं, इनका पूरी टीम यहाँ नौजवानों की खड़ी हुई है, चौधरी भीम सिंह जी और प्रताप, हिमांशु, सतपाल जी, दयानंद शर्मा जी, धनपाल जी, सबने सुंदर, अरुण संदीप मैंने बताया, अविनाश, चंद्रपाल, चंद्र शर्मा, ब्रह्मपाल, चंद्र प्यार और कई सारे, बबलू, संजय सिंह, आर पी सिंह बैठे हैं कहीं दिख रहे थे, कहाँ गए आर पी सिंह, इधर दिख रहे थे, और बात यही है कि भाई मंडावली गांव, पहले सबका यही कहना है, गांव जी का भी यही कहना है, पहले मंडावली विधानसभा होती थी हमारी, कोई पहचान तो थी, वो मंडावली विधानसभा का नाम भी बदल गया, अब मेट्रो स्टेशन का नाम भी राष्ट्रीय रखवा दो, फायदा क्या होगा। जमीन तो जैसा अक्षी जी कह रही थी मंडावली गांव की थी, भाई पुरानी पुरानी मंडावली गांव की अपनी कोई अथॉरिटी बनती है, तो मैं सारे कागज खाना पूर्ति कर ली है लगभग लगभग, एक आध हफ्ते में इसका डिसीजन हो जाना चाहिए। ये जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है इसमें आपकी पूरी मांग मानी जाएगी, थोड़ी सी खाना पूर्ति मीटिंग की बाकी है, मेट्रो स्टेशन का नाम मंडावली भी जुड़ेगा उसमें। मैं कहना चाहता हूं बस यहाँ पे कि देखो राजनीति होती है और राजनीति सब करते हैं, डेमोक्रेसी में राजनीति का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन भाइयों आप लोगों का कोई बात गलत लगे तो माफी कर दीजिएगा, किसी का छोटा हूं किसी का बड़ा हूं, थोड़ा सा राजनीति को भी समझ, खुद भी समझिएगा। एक बार जब इसकी फॉर्मल नामकरण हो जाएगा ना, जिस दिन उस मेट्रो स्टेशन का नाम मंडावली सब देखने लगेगा, उसके बाद मैं चाहूंगा एक बार अपन और दोबारा बैठेंगे और मैं आपको कुछ कागज दिखाऊंगा फिर राजनीति को। ये जो चारों तरफ से आग लगाने का काम करते हैं ना, आप चाहोगे एक चिट्ठी आपके नाम, आईपी एक्सटेंशन वाले जाएंगे एक चिट्ठी मुझे लिख देंगे आईपी एक्सटेंशन वालों के नाम, इस मेट्रो स्टेशन का नाम आईपी एक्सटेंशन कर दिया जाए, एक राष्ट्रहार के नाम, एक किसी और के नाम, एक जोशी कॉलोनी के नाम, एक बार लिख जाए जरा उस पर नाम, मैं इसलिए अभी ज्यादा नहीं बोल रहा, पर मैं जरा चिट्ठियां रखूंगा सामने किन किन नेताओं ने क्या क्या नहीं लिखा, किस किस नेताओं ने चार चार नाम बनाने के लिए, किस किस नेता ने चार, अब मैं उससे बुला के पूछ लूं कि भाई तू अपनी चिट्ठी में से एक बता दे कौन सा कर रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरा अपना दिल कहता है कि जहां की जमीन है हमारी मंडावली को हमारी पहचान मिलनी जरूरी है। वही लिहाज से भी हमारे बैठने नहीं है, वो वही स्पीड से वहां का भी काम चल रहा है, दोनों का नाम अब अगले हफ्ते हो जाना चाहिए, ईश्वर ने चाहा, जैसे मैं इसमें भी कई बार कह चुका था फिर कोई पीछे चल जाता था, लेकिन काम पुख्ता होना चाहिए, पुख्ता इसलिए होना चाहिए कि कल को कोई विरोध भी करने आए तो फिर हमारे पास कागज पुख्ता होने चाहिए सारी चीजों के, कोई जाके कोर्ट में भी जाए, कोई कहीं और जाके जाए, तो अपने पास सारी चीजें होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा होपफुली अगले हफ्ते जो नाम देने वाली कमेटी है उसकी मीटिंग बुला के उसमें डिसीजन हो जाएगा, नहीं तो और 10-5 दिन लग जाएंगे, इससे ज्यादा झंझट नहीं है। तो मयूर विहार वाले का भी और इसका भी मैंने सोचा सूचना आपको भी दे दूं, आप नोट कर रही थी, मैं समझ गया मैं आपके दिमाग में आ रहा होगा।
तो दोनों स्टेशन उधर वाले के भी नाम की बात आ रही है भाई, मंडावली के विधायक का काम ये तो है ही है, मंडावली के लोगों की आवाज वहां तक पहुंचाना और उसके काम करवा के लाना, तो ये भी हो जाएगा। बस आप सबसे यही गुजारिश है कि इसका निर्माण होगा पूरी डिटेल है? एक बार बता दें इसको कब तक पूरा हो रहा है, ये 18 महीने में 12 महीने में करवा देंगे। एक साल में हो जाएगा ये और इसके जो चीफ इंजीनियर हैं एपी श्रीवास्तव जी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वाईके शर्मा जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनीष अग्रवाल जी, असिस्टेंट इंजीनियर एस के अग्रवाल जी और एजेंसी गौर कंस्ट्रक्शन, तो इसमें भी हम चिंता मत करो, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जब ये हमारा काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। और शादी से पहले एक पार्टी करेंगे, किसी की शादी से उद्घाटन से पहले एक बड़ी पार्टी का उसे उद्घाटन करेंगे यहाँ पे गांव की तरफ से, इंजीनियरों को पार्टी देंगे फिर हम लोग यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सब लोगों को, ऐसे ही नजर रखना इस पे, नजर रखना जैसे कल